Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self अध्ययन पर आज की MS DOS की क्लास में हम आगे की कुछ कमांड्स को सीखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में नहीं सीखी थी। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मोर कमांड के बारे में। मोर कमांड हमारा जो इस्तेमाल होता है हमारे डेटा को पूरी स्क्रीन पर वो फिट कर देता है जब तक हम अपने डेटा को देख नहीं लेते। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। यहाँ पर हमने डी ड्राइव के अंदर एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम दिया है चैप्टर, और यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हमने 35 तक लिए हैं। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं कमांड विंडो के अंदर, और डी ड्राइव पर जाते हुए हम यहाँ से उसे चेक करने के लिए TYPE टाइप लगते हुए अपनी फाइल का नाम देंगे, क्योंकि हमने दिया है chapter.txt। अब हम जैसे ही एंटर करते हैं तो वो स्क्रीन को बिल्कुल ऊपर तक ले जाता है, और आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर की स्क्रीन आपको चैप्टर 13 से दिख रही है। तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे, उसके लिए हम यहाँ पर टाइप जो कमांड लगाएंगे उसके आगे पाइप सिंबल का इस्तेमाल करते हुए, जिस पे हमारा फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है, जिस पे हमारा बैकवर्ड स्लैश यूज होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे मोर, और उसके बाद हम जब एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर 1 आपको दिख रहा है, और अभी वो कह रहा है कि मोर, अभी और टेक्स्ट बाकी है। और जैसे जैसे आप एंटर करते रहेंगे वैसे वैसे वो आपको स्क्रीन दिखाता रहेगा। तो ये था हमारा मोर कमांड। अगली कमांड की हम बात करते हैं यहाँ पर कलर की। कलर में हम चेक कर सकते हैं कि हम अपनी स्क्रीन को कौन सा कलर यहाँ पर देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर B5 कलर अप्लाई करते हैं तो लाइट एक्वा कलर पर हमारा जो दिखाई देगा पर्पल कलर शो होगा। तो उसके लिए हम लिख देते हैं कलर, और उसके बाद टाइप कर देते हैं B5। तो यहाँ से आपकी स्क्रीन का कलर चेंज हो जाएगा, और जो भी कोड आपको दिए गए हैं उस कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कलर चाहिए तो आप सिंपल कलर लिखते हुए एंटर कर देंगे, आपको वापस से वही कलर रीसेट हो जाएगा। आगे की कमांड में हम यूज़ करते हैं प्रम्प्ट कमांड। प्रम्प्ट कमांड का हमारा जो यूज़ है वो है ड्राइव का नाम बदलना। जैसे डी ड्राइव की जगह हमें कॉलन सिंबल ही चाहिए तो हम यहाँ पर प्रम्प्ट लिखने के बाद कॉलन का इस्तेमाल करते हुए एंटर कर देंगे, और आप देखेंगे कि अब डी ड्राइव की जगह कॉलन सिंबल शो हो रहा है। इसको हमें वापस रीसेट करना है या कोई और सिंबल देना है तो आप प्रम्प्ट के बाद कोई सिंबल दे सकते हैं, अदरवाइज खाली प्रम्प्ट लिखते ही अगर आप एंटर करेंगे तो वापस से आपकी ड्राइव रीसेट हो जाएगी। उसके बाद आगे की जो कमांड्स है हमारी वो है वाइल्ड कार्ड कमांड और बैच फाइल, जो कि यहाँ पर यूज है। बैच फाइल में आप देख सकते हैं कि हम कुछ फोल्डर्स बनाते हुए उस फोल्डर्स को हाइड भी कर रहे हैं और उस फोल्डर्स पर प्रोटेक्शन भी लगा रहे हैं। इसका मतलब कि फोल्डर बन भी जाएगा, हाइड भी हो जाएगा और प्रोटेक्ट भी हो जाएगा, और एक साथ ये सारा काम हम करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, हम एक फाइल बना लेते हैं कॉपी कॉन एग्जाम्पल डॉट बैट। बैट फाइल आपको एक्सटेंशन जरूर देना है। ये कमांड हमारा मल्टीपल जो कमांड्स हम अप्लाई करेंगे उसको चलाने के लिए होती है। उसके बाद आप दे देंगे जैसे MD राज, जैसे एग्जांपल हमने ले रखा है MD हेमंत, और उसके बाद आपको पता है एट्रिब हमारी कमांड होती है हिडन करने के लिए। हम जो भी राज फोल्डर बनाएंगे वो हिडन हो जाएगा, और एट्रिब प्लस R का मतलब होता है प्रोटेक्शन करना। इसका मतलब अगर आप फोल्डर को डिलीट करेंगे या फाइल को डिलीट करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। देन उसके बाद हमें इसको बाहर आ जाना है F6 से सेव करते हुए। हमारी एक बैच फाइल बन चुकी है। बैच फाइल चलाने के लिए आपको सिंपल उस फाइल का नाम .bat का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि सिंपल सारी कमांड्स हमारी चल चुकी है, फोल्डर भी बन चुका है और हेमंत नाम का फोल्डर भी बन चुका है और प्रोटेक्शन भी हो गई है। आप अगर RD करके हेमंत को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मैसेज शो होगा एक्सेस इज डिनाइड। इसका मतलब आपका फोल्डर प्रोटेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और भी इम्पोर्टेंट कमांड MS DOS के बारे में।
तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।